ओके तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का स्टेटस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं जैसा आपने प्रीव्यू में देखा है अपना फोटो लगा करके, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों अब आपका भाई आ चुका है रेगुलर। अब आपको रेगुलर नए नए इवेंट के साथ बहुत ही कमाल कमाल का वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर में जाता है। अगर दोस्तों आपको इसका मोड चाहिए जिससे गाइस वाटरक मार्क ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज हुआ है सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप भी अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके इस तरह का शानदार और माल का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम सीख लेते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल देखने को मिल जाएगा जैसे सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेयर। तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको हाउ टू डाउनलोड नाम का आपको दिख जाएगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको 100% देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले आपको प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो मटेरियल देखने को मिल जाएगा, सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट। दोनों को आपको डाउनलोड करके सीधे आपको अपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना होगा। जैसे आप इसे इंपोर्ट कर देंगे तो दोस्तों आपको अपना जो सॉन्ग बीट मार्क है कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा, जो कि अभी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसमें आपको अपना फ़ोटो ऐड करना है। कैसे कैसे ऐड करना है आपको बहुत ही आसान स्टेप में और बहुत ईजी स्टेप में बताने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बैक करके आ जाना है अपने सेक इफेक्ट में। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से फर्स्ट वाला इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका ये फोटो है 9:16 का रिश्यू है, तो सबसे पहले आपको बैक कर लेना है और प्लस के पर क्लिक करके जो आपका ये दिख रहा है 9:16 रिश्यू, इस पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करके आपको कम से कम 10 फोटो को यहाँ पर कन्वर्ट करके आपको जो साइज में रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फोटो को कन्वर्ट कर लिया है तो आपको कन्वर्ट करके सेव कर लेना है कम से कम 10 फोटो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक इफेक्ट पे क्लिक करते हैं और जो आपका ये सेक इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है जो आपका फोटो है। और दोस्तों लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है और दोस्तों बैक करके आपको वहां जाना है अपने यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में, सॉरी सेक इफेक्ट में क्लिक हो गया, तो बैक करके आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है लेयर, इस लेयर पे क्लिक करके आपको पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस पेस्ट लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, इसलिए जो आपने अभी लेयर को कॉपी किया हुआ है थोड़ा सा आपको आगे आने के बाद जो आपका ये फोटो इतना आपका आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है, इसी को आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको गाइस थोड़ा सा आगे आना है, लेयर पे क्लिक करना है, इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है जहाँ तक आपका नेक्स्ट बीट है। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट बीट लास्ट बीट है यहाँ तक है, तो यहाँ पर हमारा जो वो अटैच हो चुका है और दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको पकड़ के कैश जो बचाव भाग इस प्रकार से आपको कट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो को अटैच करना है, तो फोटो अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले फोटो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस प्रकार से कलर एंड फिल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको इंस्टॉल आइकॉन पे क्लिक करके आपके गैलरी में आप जो भी आप फोटो पे रखे रहेंगे आपके गैलरी में आपका फोटो शो हो जाएगा, तो आप जो भी फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक कर देना और प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके आपको अपना फोटो अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दिया, यहाँ पर गाइस जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सभी पर आपको इस तरह से आपको फोटो को अपना अटैच कर लेना होगा। एंड गाइस आपको थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है।
दोस्तों थोड़ा सा आपको आगे आना है, तो यहाँ पर आपको कौन सा फील्ड आएगा उसके पहले बैक कर लेते हैं, और अपने जो आपको दिख रहा है सेक इफेक्ट इस पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको सेकेंड में दिख जाएगा ये वाला जो इफेक्ट है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपका दिख रहा है ऊपर से क्लिक करना है, और जो नीचे वाला है दोनों को आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना होगा। और दोस्तों लेयर पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, और दोस्तों बैक करके आपको आ जाना है अपने सॉन्ग बिट मार्क में। इजी तरीका से आपको बता रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखते रहिए। एंड दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड दोस्तों एरो पे क्लिक करके आपका जो नेक्स्ट बिट है इस पे आ जाना है, और लेयर पे क्लिक करके जो पेस्ट लेयर दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, जो कि गाने के हिसाब से बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पर आपको अपना फोटो को अटैच करना है। सबसे पहले आपको फोटो को अटैच करने के लिए जो ग्रुप दिख रहा है इस ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है। जब आपका एडिट ग्रुप पे क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पर आपको और ग्रुप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब कहिए फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फोटो लगे हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है आपका फोटो गायब भी हो सकता है, तो आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। और जो भी आप फोटो क्लियर 9:16 रेशियो में कन्वर्ट किए थे आपको वहां से उस फोटो को चूज कर लेना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोटो चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस फोटो को चूज करता हूँ और प्लस पे क्लिक करके ये जो हमारा जो हाफ फोटो है ये ऐड हो गया है। फिर से आपको बैक कर लेना है, जो आपका नीचे वाला ग्रुप दिखा है इस पर क्लिक कर देना है, और एडिट ग्रुप पे क्लिक करके इस फोटो पे क्लिक करके आपको सेम वही फोटो अटैच करना है। तो प्लस पे जो आपका दिखा है इस पर क्लिक करके सेम आपको वही फोटो अटैच करना है। तो मैं इस फोटो को अटैच कर लेता हूं, और दोस्तों प्लस पे क्लिक करके इस प्रकार से इस फोटो को ऐड कर लिया। और दोस्तों बैक करके आप देख सकते हैं कुछ प्रकार का हमारा क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ही औसम देखने को लगता है। दोस्तों देख सकते हैं आपका बहुत ही कमाल के इफेक्ट के साथ ये क्रिएट हो चुका है। एंड दोस्तों एरो पे क्लिक करना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको कौन सा इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट वाला लगाए थे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेयर पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है। इसको लगा कि आपको थोड़ा सा आगे आना है, जब आपका ये छोटा वाला बीट दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। जब आपका नेक्स्ट बीट है इस बीट तक आपको आना, और बचे हुए भाग को इस प्रकार से आपको कट कर देना है। दोस्तों इसी को आपको जो अभी आप किए थे इस पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, इस पेड पे क्लिक करके इसे पेस्ट करते जाना है। जब आपका ये नेक्स्ट बीट है आपका जो छोटा वाला यहाँ तक आपका होगा, तो बचे हुए भाग को हम इस प्रकार से कट कर देते हैं। फोटो चेंज करने का प्रोसेस सेम वही है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। तो फोटो चेंज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करके कलर एंड फीड पे क्लिक करके स्टाइल आइकन पे क्लिक करके आप फोटो को इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपको थोड़ा सा आगे आना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, आपको इसको अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट कुछ ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों यहाँ पर आपको आइस ऑफ दिख रहा है। दोस्तों ये ऑफ क्यों है, इसको मैं जैसे ऑन करूंगा तो आपका जो अलर्ट मोशन है वो थोड़ा सा लैग होने लगेगा, तब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहले आप देख लीजिए कैसे करना है, तब आप इसको ऑन करिएगा। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट वाला ग्रुप, ठीक है, अभी मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका शो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जिसका आइस से मैं यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा इमेज, तो हम इस इमेज पे क्लिक कर लेते हैं इजीली, और कलर एंड फील पे जाना है, और यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टार आइकन पे क्लिक करके इजीली आप कोई भी फोटो आप अपने गैलरी के अनुसार कोई फोटो अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो 9:16 इशू वही फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना है, तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्लस पे क्लिक करके मैं इस तरह से इसको अटैच कर दिया हूँ, जो कि बहुत ही औसम लग रहा है। अभी गाइस यहाँ होने के बाद अभी इसमें फोटो लगाना है, इसमें फोटो लगाना है, सभी पर फोटो लगाना है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। सो गाइस यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 1-2 आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका ग्रुप दिख रहा है जो कि ये जो है आपका जो ऊपर का मूव जो आपका ग्लो है उस पर लगेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले ग्रुप पे क्लिक कर लेते हैं, और उसको एडिट ग्रुप पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है इस इमेज पे हम क्लिक कर लेंगे, और आपको कलर पे जाना है, और दिख रहा है आपको स्टाइल आइकन पे क्लिक करके आप जो भी आप फोटो यहाँ पर लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं इस फोटो को लगाता हूँ और प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फोटो आपका इस तरह से हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से आपको बैक कर लेना है। दोस्तों बैक करने के बाद स्क्रॉल करके जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका ये जो ग्लो कर रहा है बीच में, इसके ऊपर आपका फोटो लग चुका है, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। जो आपका इस पे आ जाते इस पे आपका फोटो लग चुका है, अभी आपको इस पे फोटो लगाना है। तो इस पर इसमें आपको एक फोटो एग्जाम्पल के थ्रू लगा कर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपना अपने से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप 2 पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से एडिट ग्रुप पे आपको क्लिक कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी है, और इस प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट जो बनाए हैं इसका क्रेडिट जाता है एडिट क्लब भाई को, तो थैंक यू सो मच भाई इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। दोस्तों तो इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट उन्हीं को जाता है।
सो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो प्रोजेक्ट है थ्री प्लेयर वाला, आपको इसमें आपको अपना फोटो ऐड करना है दोस्तों। तो फोटो पे क्लिक कर देना है और एडिट करंट फील्ड पर जाना है और स्टाइल आइकन पे क्लिक करके आपको अपने गैलरी के अनुसार जो भी आप फोटो अटैच करना चाहें आप फोटो को अटैच कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं इस पे लगाता हूं, प्लस पे क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं उस प्रकार से आपका जो फोटो है ये अटैच हो जाएगा, जो कि बहुत ही ऑसम लगने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है सभी पर आपको अपना फोटो अटैच कर देना है। तो मैं लास्ट वाला भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है और कलर फील्ड पर जाना है, स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है। इजिली जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट फोटो में इसको लगा देता हूँ जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो आप अपना फोटो भी लगा करके इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो कि आपका फोटो यहाँ पर लग चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा आपको आगे आना है। अभी आप थोड़ा सा ये सब आपको सभी जगह आपको अपना फोटो अटैच कर लेना है। तो पर आपको इस प्रकार से छोटा वाला बीट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से लेकर के ठीक है, यहाँ से लेकर के आपको लास्ट तक यहाँ पर जितने फोटो बीट दिख रहे हैं बीट के साथ आपको फोटो को अटैच करना है। इसके बाद आपको बताऊंगा कि इस पे जो इफेक्ट वो कौन कौन सा लगना है। तो मैं फटाफट से फोटो को अटैच कर लेता हूँ, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अभी आप देखे थे कि जो इसका माइक है वो एरर हो गया था, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के हिसाब से हमने सभी जगह पर फोटो को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर फोटो अटैच करने के बाद इस पे इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके आपको आना अपने सेग इफेक्ट में। यहाँ पर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा थ्री इफेक्ट। जो पहला वाला आपका इफेक्ट है जो आपका उसमें छोटा वाला बीट दिख रहा था, ये वाला इफेक्ट आपको वहाँ पर जाकर लग जाएगा। यहाँ दोस्तों जो दूसरा वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका कहाँ लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और दोस्तों बैक करके आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में इजिली आ जाना है। दोस्तों इजी आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके चले जाना है आगे, जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको गाइस स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर आपका जो छोटा वाला बीट दिख रहा है जो मैं आपको बताता हूँ उसको ला करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। एंड दोस्तों जो आपका थोड़ा सा बड़ा वाला इफेक्ट है जो कि अभी मैंने कॉपी किया था, आपको इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है, जो कि ये हो जाएगा। अब गाइस जो लास्ट वाला बचा हुआ इफेक्ट है उसमें इसमें यहाँ पर जितने फोटो दिख रहे हैं सभी पर आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको बताते हैं कौन सा वो इफेक्ट है। एंड दोस्तों इस लास्ट में आपको आना, ये जो आपका दिख रहा है आपको ये वाला इफेक्ट है, तो जो बचा हुआ आपका इफेक्ट था उस पर ले जा करके सभी पर आपको पेस्ट कर देना होगा। अब गाइस इसको क्या करना है, वीडियो आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको आपको गैलरी में सेव करना होगा। तो दोस्तों जो गैलरी में इसको सेव करने के लिए आपको सबसे इजी तरीका, और दोस्तों जब ब्लैक नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको जो आपका दिख रहा है ये FPS इसको आपको वैसे ही रहने देना है। आपको सेटिंग के बगल में जो आपको दिख रहा है बॉक्स पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करके ईजी आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। ये आपका 2 से 3 मिनट में आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।